होती है ना जो आप बिना एक्सपेक्टेशन के देखते हो, एकदम ब्लैंक माइंड के साथ देखना शुरू कर देते हो इस होप में कि यार ये मूवी ना मेरे को सरप्राइज कर रख देगी। और कल रात को मैंने ऐसी एक मूवी देखी है जिसका नाम है ब्लैक आउट। बहुत से लोगों ने इसका नाम नहीं सुना होगा, पर जियो सिनेमा में ना ये मूवी आपको 29 रुपए में देखने के लिए मिल जाएगी। मैंने तो मूवी का ट्रेलर भी नहीं देखा था, मैंने बोला था सर मूवी आ रही है रिव्यू करेंगे देख लेंगे, पसंद आएगी तो रिव्यू कर देंगे वरना इग्नोर कर देंगे शॉर्ट्स में डाल देंगे। लेकिन यार ये मूवी बिल्कुल वैसी है। अगर आपका एग्जांपल दूं ना मैं तो नेटफ्लिक्स के ऊपर एक मूवी आई थी मोनिका ओ माय डार्लिंग, चोर निकल के भागा, और एक और भी आई थी क्यारा अडवाणी की जो जबरदस्त लग रही थी, क्यारा एकदम क्या नाम था यार, गोविंदा नाम मेरा, हाँ गोविंदा नाम मेरा। अगर आपको इस टाइप की मूवीज पसंद आती है ना भाई तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली वैसी टाइप की मूवी है। एक रात की कहानी, और एक रात की कहानी में ना दुनिया भर की कहानी आपको दिखाई जाती है, और एंड में जब सब कनेक्ट हो जाते हैं ना भाई तब आप बोलते हो कि भाई यही तो मूवी का मजा है। ऐसी मूवी देखने में मजा आता है, मूवी सरप्राइज करके रख देती है आपको, और ये सभी एलिमेंट ना आपको इस मूवी में देखने के लिए मिलने वाले हैं। देखो मूवी एकदम फास्ट पेसिंग है, शुरुआत से लेकर एंड तक आपको कॉमेडी आती है, आपको थ्रिल आता है, आपको टेंशन आता है, ओवरऑल ना मूवी आपको मजा करा कर रख देती है। मेन लीड्स की बात करें तो विक्रांत मैसी, मौनी रॉय और सबके फेवरेट सुनील ग्रोवर आपको नजर आते हैं, और सबकी एक्टिंग एकदम जबरदस्त है। मौनी रॉय तो सेकंड हाफ में आती है, फर्स्ट हाफ में उनका रोल नहीं है, पर ठीक है उनको देखना अच्छा लगा, वो ब्यूटीफुल लगी है। और वैसे भी भाई हम इंडियंस लोग ना, हमारी जो ऑडियंस है ना वो हीरोइन को एज अ बस ब्यूटी के कारण ग्लैमर के कारण देखती है, और ये फैक्ट है। तो मेरी तरफ से आपको केवल यही सजेशन रहेगा कि भाई की मूवी को ना बिल्कुल देखो, डेफिनेटली इसका ट्रेलर मत देखना आप, तब मूवी का मजा आपको ज्यादा आने वाला है। मूवी में थ्रिल है, मूवी की स्टोरी अच्छी थी, प्रेजेंटेशन बढ़िया है, ट्विस्ट एंड टर्न्स काफी ज्यादा अच्छे हैं जो आपको मूवी के एंड में शॉक में डालने वाले हैं। तो भाई पब्लिक को और क्या ही चाहिए, तो देखो फैमिली के साथ भी देख सकते हो, फैमिली फ्रेंडली मूवी है। बाकी मूवी के एंड में ना भाई इसका सेकंड पार्ट भी आ सकता है, उसका आपको एक हिंट देखने के लिए मिलता है। तो हाँ इस मूवी के देखने के बाद इसके सेकंड पार्ट का भी वेट आप करने वाले हो बिल्कुल मेरी तरह। तो बस ये था मेरा रिव्यू ब्लैक आउट इस मूवी के लिए, जिससे कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी, मैंने देखा और मेरे को मजा आ गया। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, यहाँ तक वीडियो देखे लिए भाई, सब्सक्राइब करके याद से जाना, मिलते किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।